बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि आपको हमेशा दुश्मनों के शर से महफूज रखे और आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कुछ कॉल्स भी आ रही हैं, जो कि हमारे गैर मुस्लिम दोस्त किसी को पसंद करते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए उन्होंने कोई ख़ास अमल मांगा है। तो आज की वीडियो ये उन हमारे दोस्तों के नाम हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मैं नजायज़ काम के लिए इसकी इजाज़त भी नहीं दूंगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, किसी के प्यार में पागल हैं और बहुत सी कोशिशें करके भी कोई बात नहीं बन रही, तो ये मेरे उन बहन भाई और दोस्तों के लिए है। यकीन कामिल रखें, और जो मैं परहेज़ आपको बताऊंगा उस परहेज़ के साथ इस अमल को करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कोई भी अमल गलत नहीं होता, सिर्फ हमारी ही कोई कोताहियों की वजह से हमसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग अमल को गलत ठहराते हैं। हालांकि अगर एक दफ़ा के चिल्ला में कामयाबी नहीं मिली, तो हमको चाहिए कि हम फिर दूसरी दफ़ा कोशिश करें। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी दफ़ा भी कामयाबी नहीं मिली, तो तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह ताला हर हाल में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें बस इधर पलक झपकें और हमारा महबूब हमारे सामने आ जाए और हमें कोई मेहनत भी ना करनी पड़े, तो ये बात गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसको हर कीमत में पाना चाहते हैं, हम तो आपसे कोई कीमत भी नहीं मांगते, सिर्फ आपसे आपका टाइम मांगते हैं, वो भी आप ही का उसमें फ़ायदा है, हमारा नहीं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम निकाल कर और ये जहन में ना लाया करें ये कि अभी हमने अमल शुरू किया ही है और बस अभी जो ना हमारा काम हो गया। अल्लाह के ऊपर यकीन रख कर, अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने खुदा के ऊपर यकीन रख कर आप बस अमल को शुरू कर दिया करें, फिर उसका असर देखें कि कैसे अल्लाह पाक की रहमत होती है और कामयाबी आपकी कदम चूमती है। दोस्तों, जो अमल आपने करना है, पहले इस अमल को दिवाली की रात 108 मर्तबा पढ़ कर शुद्ध करें, फिर जब ज़रूरत हो किसी मीठी चीज़ पर 41 बार दम करके अपने महबूब को खिला दें। इंशाल्लाह ताला महबूब आपका दीवाना हो जाएगा और आपके पीछे ऐसे भागेगा। जो मंत्र आपने पढ़ना है वो मंत्र ये है: जाग जागे अल्लाह का नाम जागे, दर्द माता जागे, 30 सपारे कुरान जागे, सुर्ख सही जलाल जागे, महतर इलियास जागे, चारे यार जागे, सो को ते मंत्र जागे, फलां बैठी को उठा ले आवे, सुती को जगा ले आवे, फिरो मंत्र ईश्वर महादेव तेरी वाचा चले, काम सोई हजरत पीर दसगीर महबूब सुबहानी करे। दोस्तों, फलां बैठी को उठा ले आवे कि जगह आपने अपने महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपको अपनी बहुत सी ज़रूरतों, मुश्किलों, परेशानियों के हल के लिए यहाँ से अमलियात मिल सकते हैं, वो भी फ्री। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।